सीरियल उड़ान में आज सूरज है चकोर के लिए बेहद परेशान। भाई बात ही कुछ ऐसी है, दरअसल चकोर बिना बताए कहीं चली गई है, जिसकी वजह से सूरज उसे ढूंढ ढूंढ कर हो रहे हैं परेशान और चकोर का पता लगाने की कर रहे हैं कोशिश कि चकोर गई तो गई कहाँ। चकोर कहाँ गई तुम्हें पता है? छोटे मैंने खामखा नहीं मानी चकोर देखिए। चकोर फाइनली आती है और चकोर की आते ही सूरज चकोर से सवाल पर सवाल पूछता है। वहीं चकोर सूरज की बातों को नजरअंदाज करते हुए खाना खाने के लिए कहती है, लेकिन सूरज कहीं ना कहीं ये समझ जाता है कि चकोर इमली का पता लगाने के लिए गई थी। तभी तो देखिए किस तरह से सूरज इमली का भूत चकोर के सिर पर सवार होने की बात कह रहे हैं। वो कहाँ चली गई थी बिना बताए? हम कितना परेशान हो गए थे, हमारे माई बापू को भी फोन कर दिया, हमें लगा वहाँ गई हो। चलो हम नाश्ता करते हैं। देखो झूठ बोलना तुमको आता नहीं, बताओ कहाँ गई थी? वो भी नहीं बताया, क्योंकि अगर हम बताएंगे तो उससे क्या होगा, हम हमारे बीच और कलेश नहीं करेंगे। नहीं बताओगी तो हमें पता नहीं चलेगा क्या? हम समझ गए, इमली का भूत अभी भी तुम्हारे सर पे चढ़ा होगा। काफी सवाल जवाब के बाद चकोर सूरज को बता देती है कि वो कहाँ गई थी। बस फिर क्या था, चकोर की बातें सुनते ही सूरज का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। किस जगह गई थी? अब वहाँ जाने का क्या मतलब था, क्या खोजने गई थी? इमली की अस्थियाँ? इसीलिए हम तुम्हें नहीं बताना था। और अगर तुम नहीं बता दी तो हमें कुछ पता नहीं चलता? कितनी बार हम तुमसे कह चुके हैं कि इमली मर चुकी है, समझ में नहीं आ रहा है क्या तुम्हें? तुम्हें पहले समझाया था, तब तुम कह रही थी कि हाँ हम इमली को भूलने की कोशिश करेंगे वगैरह वगैरह। अब दरअसल सूरज को लगता है कि चकोर विमान की बातों में आकर इमली का पता लगाने के लिए गई थी, लेकिन चकोर सूरज को समझाती है कि वो कुछ भी विमान के कहने पर नहीं कर रही है। विमान की बातों को गंभीरता से ले रही है और विमान खुद अंधेरों से लौट कर आया है, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, वो कुछ भी बोल सकता है। लेकिन तुम्हारी दिमागी हालत तो ठीक है ना, तुम बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हो? हजार बार तुम्हें कह चुके हैं इमली मर चुकी है, मर चुकी है, मर चुकी है। सूरज हम जो भी कर रहे हैं वो विमान कहने पर नहीं कर रहे, अपने मन से कर रहे। और सूरज हम क्या जानते हैं कि कौन मरा और कौन जिंदा है? हमने भी तो माना था ना कि विमान मर चुका है, लेकिन वो जिंदा होकर वापस आ गया। फिर इमली, अरे लेकिन अगर इमली जिंदा होती तो क्या शांति से बैठी होती अभी तक? हमारी जिंदगी में भूचाल ले आई होती, शांति से नहीं रहने देती, नरक बना दिया होता हमारी जिंदगी को। अब सूरज चकोर को कितना भी समझा ले, लेकिन चकोर का दिल तो यही कह रहा है कि इमली जिंदा है और वो कुछ भी कर सकती है। इमली बहुत पहुंची हुई है, वो तुम नहीं जानते, वो इस वक्त भी शायद कुछ कर रही हो, क्या पता वो कहीं से हम पर नजर रख रही हो, वो यही कहीं हो, वो शायद तैयारी कर रही हो, वो कहीं भी हो सकती है सूरज। चकोर और सूरज की सारी बातें कोई सुन रहा है। जी हाँ, घूंघट में अर्चना नाम की नौकरानी दूर खड़ी होकर सारी बातें सुन रही है, जिसे देखते ही सूरज गुस्से में आ जाता है। अर्चना तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रही हो? चलो सामने के पास जाओ। जी, जी। चकोर आपको क्या लगता है कि इमली जिंदा है और आपकी कोशिश इमली को ढूंढने के लिए कब तक जारी रहेगी? मेरा अंदाजा ये है कि शायद इमली लाश नहीं मिली तो हूँ ना मरी हो, और विवान भी जैसे वापस आ गया तो इमली भी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। बट सूरज नहीं सुन रहा, वो डांट रहा है मुझे, पता नहीं मैं कहाँ तक पहुँच पाऊंगी, पर मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ पता लगाने की, लेट्स सी। तो ये बात है। वैसे आपको बता दे कि ये घूंघट में अर्चना नाम की नौकरानी कोई और नहीं बल्कि इमली है, जिससे सूरज और चकोर है अनजान। मुंबई से ज़ारा खान, E24।